अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक डेजर्ट की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इट्स चॉकलेट क्रीम केक। मैं इसे बनाने जा रही हूँ। इसको बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे ऑल पर्पज फ्लावर लिया है, अबाउट हाफ कप ऑफ मैदा जा रहा है। साथ में मैं शुगर यूज कर रही हूँ। शुगर इज अबाउट 4 to 5 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकती हैं। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप और ऐड कर सकती हैं। साथ में इसमें कोको पाउडर आई एम यूजिंग। इट्स अबाउट 3 टेबल स्पून ऑफ कोको पाउडर। रिफाइंड ऑयल जा रहा है इसमें। मैं इसमें डाल रही हूँ इसे अबाउट 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल जा रहा है। अगर आप बटर में बनाना चाहती हैं तो अप टू यू, आप इसे बटर में भी बना सकती हैं। मिल्क जा रहा है, फुल फैट मिल जाएगा इसमें। अबाउट 8 टेबल स्पून ऑफ मिल्क एंड 8 टेबल स्पून ऑफ ल्यूक वार्म वाटर जा रहा है। साथ में बेकिंग पाउडर मैं यूज कर रही हूँ, अबाउट 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा साथ जा रहा है। आप 2 पिंच 3 पिंच के अप्रॉक्स ले सकती हैं, 3 पिंच से ज्यादा नहीं कीजिएगा हाफ कप में। साथ में मैं वेनिला एसेंस यूज करूंगी इसमें। इसे दिखाती हूँ आपको बनाना किस तरीके से। ये आपका ऑल पर्पज फ्लावर मैं इस बॉल में डाल दे रही हूँ। ये सारा आपका चला गया। साथ ही इसमें मैं कोको पाउडर ऐड करूंगी। ये कोको पाउडर चला गया, शुगर चला जाएगा इसी में। आप अपने हिसाब से शुगर कम ज्यादा कर सकती हैं। साथ ही इसमें ये जा रहा है बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। मिक्स इट वेल। ये देखें, ये मिक्स हो चुका है। मैं इसमें पाउडर शुगर यूज कर रही हूँ। मैंने आपको दिखाया शुगर जो था वो मैंने उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया है। अगर साबुत अगर डालते हैं हम लोग तो क्या होता है, वो डिजोल्व होने में से टाइम लग जाता है, तो इस वजह से उसका पाउडर बना लें वो चला जाएगा तो ज्यादा अच्छा होता है। इस तरीके से मिल्क मैंने ऐड कर लिया है। अगेन मिक्स इट वेल। अब इसमें मैं वाटर ऐड कर रही हूँ। देखिए इतना मैंने इसे लिया था, हिसाब से मैं डालूंगी इसे। अगर और की जरूरत पड़ेगी तो और डालूंगी, तो और थोड़ा करके मैं ऐड करूंगी। इसका बैटर बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है और ना ही बहुत ज्यादा मोटा करना है, मुझे एक दरमियाना रखना है इसे। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो मैं रखूंगी वो इतनी रखूंगी, इस तरीके से देख सकती हैं आप, इतनी रहेगी इसकी कंसिस्टेंसी। इससे ज्यादा पतला नहीं करूंगी और ना ही ज्यादा थिक करूंगी। और इसमें सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे आपको ज्यादा बीट करने की भी जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा बीट करना पड़ रहा है। बस मिक्स इट वेल कि सब कुछ प्रॉपरली इसमें अच्छे से हो जाए, मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें एसेंस ऐड कर दे रही हूँ। ये एसेंस चला गया, ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसे ग्रेस कर दूंगी। जो डिश में मैं बना रही हूँ उस डिश को मैं ग्रेस कर दे रही हूँ अच्छे से। इस तरीके से इसे प्रॉपरली आप ऑल ओवर ग्रेस कर लें। जिस भी डिश में आप इसे बेक कर बना रही हैं उसे अच्छे से ग्रेस कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया प्रॉपरली ऑल ओवर। इस तरीके से ये हो चुका है। अब मैं इसे जिस डिश में मुझे इसे बनाना है उसमें मैं इसे फोल्ड कर दे रही हूँ। सारा अच्छे से इसे सब कुछ मिला दें, इसमें डाल दें मींस। इस तरीके से मैं अभी इसे ओवन में डाल रही हूँ। इसे मैं माइक्रो करूंगी फॉर अबाउट 3 to 4 मिनट के लिए मैं करूंगी इसे। ये हो गया और इसे मैं इस तरीके से मैंने इसे डाल दिया है। मैं 4 मिनट हार्डली इसे देखूंगी, उसके बाद फिर से ओपन करके चेक करूंगी। ये देखिए ये अब हो चुका है। मैं अभी इसे स्टॉप कर दूंगी और इसे मैं निकाल दूंगी। ये देखिए ये कितना परफेक्टली राइज हो चुका है। अब मैं इसे केयरफुली निकाल दूंगी, काफी हॉट है। ये देखें इस तरीके से मैं इसे इंसर्ट कर रही हूँ नाइफ को, और ये देखें परफेक्टली ये कुक हो चुका है। ये देखें बिल्कुल भी नहीं इसमें लग रहा है, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन सा ये राइज हुआ है। अब मैं इसकी ऊपर की टॉपिंग रेडी कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें अबाउट 2 टेबल स्पून ऑफ फुल फैट मिल्क लिया है और 1 टेबल स्पून इसमें पाउडर शुगर मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से इसे मिक्स कर लूंगी। ये देखें आप इसे देख सकती हैं कितना स्पॉन्जी बना है। ये देखें
ये इस तरीके से मैंने इसमें कोई एग नहीं डाला है, बटर भी इवन मैंने नहीं डाला है, मैंने ऑयल यूज किया है। कितना जबरदस्त सा ये हम लोगों का रेडी हुआ है। अब जो मैंने आपको दिखाया था मिल्क एंड शुगर का, वो मैं थोड़ा थोड़ा सा डालूंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्पॉन्जी है। अगर आपका थोड़ा ये हार्ड होता है तो आप इसे थोड़ा सा और ज्यादा डाल दें, ताकि अंदर तक ये सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट एंड मॉइस्ट हो जाता है, अंदर तक चला जाता है। तो इस तरीके से मैं हल्का हल्का ही डालूंगी। ये देखें ये हो चुका है, इसको मैं एक साइड पे रख दे रही हूँ। अब मैं इसकी क्रीम रेडी कर रही हूँ। मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ अबाउट 3 टेबल स्पून। ये फ्रेश क्रीम घर की है हमारे, अगर आपको डब्बे वाली मिलती है वो आप यूज कर लें। 3 टेबल स्पून मैं फ्रेश क्रीम यूज कर रही हूँ यहाँ पे। साथ ही इसमें मैं शुगर ऐड करूंगी, और इसी में मैं पाउडर शुगर यूज कर रही हूँ 1.5 टीस्पून, और इसे विद द हेल्प ऑफ बीटर मैं अच्छे से इसे बीट कर लूंगी। देखें इस तरीके से मैं विद द हेल्प ऑफ मशीन बीटर के हेल्प से मैं इसे अच्छे से बीट कर लूंगी, और ये बेहतरीन सी ये हम लोगों की फ्लफी सी क्रीम रेडी हो जाएगी। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप विद द हेल्प ऑफ विस्क, घर पे जो विस्क अवेलेबल होता है उससे आप कर सकती हैं। इस तरीके से मैं इसे रेडी करके इसकी टॉपिंग रेडी कर रही हूँ। ये देखिए ये हम लोगों की क्रीम रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे इस पे लेयर लगाऊंगी क्रीम का, इसी तरीके से पूरे में। ये देखिए इस तरीके से हम लोगों का केक रेडी हो चुका है। मैंने इसके ऊपर सिरप, चॉकलेट सिरप बना के डाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका इंग्रेडिएंट्स आप लोग चेक कर लीजिएगा कि उसका सॉस किस तरीके से बना है। ये जबरदस्त सा केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी रेडी है हम लोगों का। ये आज मैंने स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए बनाया है, उनका आज बर्थडे है तो उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए मैंने ये केक बनाया है। इस तरीके से जरूर आप लोग इसे ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे देते रहें। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। जबरदस्त केक का। ये देखिए मैंने इसे इस तरीके से डिश आउट किया है, जबरदस्त ये रेडी है। इसी तरीके से आप लोग इसको अलग अलग स्लाइस करके इस तरीके से जैसे मैंने किया है ऐसे ही करके आप इसे डिश आउट कर सकती हैं। बहुत जबरदस्त यमी सा स्पॉन्जी सा रेडी है। रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल का ऑप्शन मिलेगा बेहतर रहेगा उस पर क्लिक कर लें, सो दैट यू विल बी अपडेटेड विथ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। लाइक करें, शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दोबारा से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कुछ और नई लजीज रेसिपीज के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।